हेल्थ प्लस प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं ओरी हॉस्पिटल, जो कि जीटी रोड ऑपोजिट रेलवे वर्कशॉप पुतलीघर अमृतसर में है। हमारी टीम ने यहाँ डॉक्टर प्रदीप ओरी जी से बातचीत की और उनसे ओरी हॉस्पिटल के बारे में विस्तृत जानकारी हासिल की। डॉक्टर ओरी चेस्ट स्पेशलिस्ट हैं और पिछले काफी लंबे समय से वह अपनी सेवाएं दे रहे हैं। ओरी हॉस्पिटल NABH एक्रेडिटेड हॉस्पिटल है। कोरोना महामारी के दौर में ओरी हॉस्पिटल में लेवल 2 और लेवल 3 के लिए विशेष सुविधाएं उपलब्ध हैं और यहां पर कोरोना पेशेंट्स का बहुत अच्छे से ध्यान रखा जाता है। आइए चलते हैं ओरी हॉस्पिटल और करते हैं बातचीत डॉक्टर प्रदीप ओरी जी से। दर्शकों, हेल्थ प्लस प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज हम आपको बुलाने जा रहे हैं डॉक्टर ओरी जी के साथ, जो पिछले लंबे समय से ओरी हॉस्पिटल में अपनी सेवाएं दे रहे हैं और कोरोना के एपिडेमिक में सैकड़ों की गिनती में वो लोग जो चेस्ट से इन्फेक्टेड थे उनको एक नई जिंदगी दी है। डॉक्टर साहब का स्वागत है हमारे स्पेशल शो में। थैंक यू गर्ग साहब, थैंक यू। डॉक्टर साहब, COVID-19 जो एक ऐसा एपिडेमिक बन के आया और उसके साथ चेस्ट का जो रिश्ता है, जैसे घी खेली वाला रिश्ता है और चेस्ट को ज्यादा ये पकड़ता है, क्या कारण है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये जो COVID-19 वायरस है सेल्स में एंटर करता है और ये जो रिसेप्टर्स होते हैं ये हमारे लंग्स में मैक्सिमम अमाउंट में होते हैं, हमारी बॉडी में, हमारे पेट में भी ये रिसेप्टर्स होते हैं। सो ये वायरस उसी रास्ते से हमारे शरीर में, एक आप कह सकते हो इसका जो एंट्री पॉइंट है, जहाँ से इसका वीज़ा लगता है हमारी बॉडी में एंटर करने का, वो लंग्स इसलिए है कि ये जो रिसेप्टर ये यूज़ करते हैं एंटर करने के लिए हमारी बॉडी में, हमारे लंग्स में होते हैं मैक्सिमम अमाउंट में। और अब जैसे आपने देखा होगा कि कोविड वेव में, इस सेकेंड वेव में बच्चों को कम हुई है, फर्स्ट वेव में बच्चों को कम हुई थी, क्योंकि हमारे जो बच्चों के लंग्स होते हैं उसमें ये ACE2 रिसेप्टर जो होते हैं ना, ये बहुत कम मात्रा में होते हैं और अगर इसके एंट्री गेट्स ही नहीं होंगे तो ये एंटर नहीं कर पाएगा बॉडी में, और वहां से ही एंटर करेगा जहां पर मैक्सिमम गेट्स होते हैं, क्योंकि लंग्स में मैक्सिमम ACE2 रिसेप्टर्स होते हैं, तो ये लंग्स को प्राइमरीली इफेक्ट करता है। एंड सर, जैसे आमतौर पर सुना जाता है कि आप मास्क लगाओ कि नाक के रास्ते, मतलब हम ये सोचे कि नाक का रास्ता ही है जो लंग्स के लिए, क्योंकि हमने सांस वहां से लेना है, तो इसलिए अगर हम लोग उस जगह को, इस एंट्री को ही हम लोग ब्लॉक कर देते हैं, उसको हम लोग रिफाइंड करके अंदर ले जाते हैं, तो एक बहुत बड़ा मतलब इसके साथ हमारा बचाव हो जाता है। जो हमारे फेफड़े हैं, जो हमारे लंग्स हैं, वो नाक से ले सांस या मुंह से ले आगे एक ही पाइप से होके हवा जो हमारे फेफड़ों में जाती है। सो एंट्री जो हमारी हवा की होती है, चाहे आप सांस नाक से लीजिए, मुंह से लीजिए, आगे एक ही रास्ते से लंग्स में जाती है। हाँ, आप कह सकते हो कि अगर आप मास्क लगाते हो तो आपके जो है वो एंट्री ऑफ वायरस जो आपकी बॉडी में है वो मिनिमम हो जाएगी, और जितनी मिनिमम क्वांटिटी में वायरस अंदर जाएगा उतना ही ये आपको कम अफेक्ट करेगा। एंड सब कैसे हम सोचें, क्योंकि आज हम देख रहे हैं कि पंजाब, जिसमें लोग बहुत ही फ्रीक्वेंटली घूम रहे हैं, हरियाणा में भी फ्रीक्वेंटली घूम रहे हैं, नो डाउट बहुत बड़ा चैलेंज जो है वो आया था और अभी भी है, लेकिन इसके बावजूद भी लोग फ्री में भी घूम रहे हैं बहुत ज्यादा, मतलब क्या सोचें हम, क्या चीज है, ऐसी चीज है क्या, क्या एटमोसफियर से ये फैलता है, इसका फैलने का क्या सोचता है? देखिए, सबसे पहले जो मुझे लगता है, किसी भी बीमारी के बारे में हमें सबसे पहले हमारी सारी पब्लिक को एजुकेट करने की बहुत ज़रूरत है। जो भी लोग अभी तक इसको लाइटली ले रहे हैं, मेरा ख्याल वो एक अनएजुकेटेड बंदा ही कर सकता है। आपको जितना भी आप कम से कम भीड़ क्रिएट करें, भीड़ वाले एरिए में ना जाए, जितनी देर तक ये वेव सेटल नहीं होती, आप पूरा सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखिए, मास्क लगा के रखिए, भीड़ वाले इलाके में ना जाइए, और सबसे ज़रूरी, मैक्सिमम लोगों को मोटिवेट करिए वैक्सीन करवाने के लिए, क्योंकि ये जो हमें इस वेव से या जो आने वाली वेव से जिसने हमें बचाना है वो वैक्सीन है। जितने हम मैक्सिमम लोगों को वैक्सीन लगवाएंगे उतना ही हमारी हर्ड इम्यूनिटी बढ़ेगी, और ये हर्ड इम्यूनिटी ये एक मेन वेपन है जो हमें इस वेव से और सब्सिक्वेंट वेव से बचा सकता है। तो ये पब्लिक एजुकेशन ऑफ कैसे आप अपने आप को बचाना है, सोशल डिस्टेंसिंग, फ्रीक्वेंट हैंड वॉश,
प्रिवेंटिंग फ्रॉम गोइंग टू द पब्लिक प्लेसेस, क्राउडेड प्लेसेस और वैक्सीन, ये चार पांच जो है ये हमारे जो है मेन वेपन है जिससे हम की इससे बच सकते हैं। जैसा अगर किसी को हो जाए और इन्फेक्शन जो है चेस्ट तक बढ़ जाए तो क्या कहना चाहेंगे कि फिर भी हमें घबराना नहीं चाहिए और उसके लिए भी मतलब सर्वाइवल रेट भी है, अगर दत्त रेट है तो उसमें सर्वाइवल रेट भी है, इतना ज्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं। देखिए जो इस वेव है, इस वेव में अगर हमको कोविड डिटेक्ट हो भी जाता है तो सबसे पहले आप घबराएंगे। जब तक आपकी मेंटल इम्यूनिटी अच्छी है आप बहुत सी बीमारियों को वैसे ही ठीक कर सकते हो। मेंटल इम्यूनिटी से मेरा भाव है कि अगर आप उस वक्त कंपोज और कूल रहते हो और ज्यादा पैनिकी नहीं होते तो बॉडी ही एक ऐसे डिफेंस करती है कि आप कई बीमारियों से बच जाते हो। अगर आपको कोविड हो गया है तो कोई घबराने की जरूरत नहीं है। आपने क्या करना है, नंबर वन आपने सिर्फ अपनी ऑक्सीजन सेचुरेशन को मॉनिटर करना है। अगर आपकी ऑक्सीजन सेचुरेशन 94 से ऊपर है एट रूम एयर तो आपको किसी भी तरह की घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आपकी ऑक्सीजन सेचुरेशन 94 से 90 के बीच में आती है तो एक बार डॉक्टर से राबता कायम कर ले। अगर आपकी सेचुरेशन फॉल करती है तो आप हॉस्पिटल जाके अपने आप को एडमिट करवा लें। आपने सिर्फ एक चीज को मॉनिटर करना है, हफ्ता 10 दिन जब तक ये वायरस का इफेक्ट आपके बॉडी में रहता है आपने अपनी ऑक्सीजन सेचुरेशन को मॉनिटर करना है। और ऑक्सीजन सेचुरेशन अगर 94 से ऊपर रह रही है तो फिर किसी तरह की घबराने की जरूरत नहीं है। बाकी आप साथ में जो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है जैसे क्रोसिन है, पैरासिटामोल है या बी कम्प्लेक्स है, ये आप ले सकते हो। अच्छी डाइट ले लीजिए और 10 दिन से 14 दिन का इसका जो टोटल पीरियड होता है वायरस का, इसमें ये सारा बॉडी ने आपको इसको कवर अप कर लेना है और आपने इसे निकल आना है। अगर आपकी सेचुरेशन 90 से 94 से बिलो जाती है तो फिर डेफिनेटली आप डॉक्टर को या हॉस्पिटल में जाके कंसल्ट कीजिए। जैसा अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन के तो भंडार ही जो पंजाब वालों ने लगाने शुरू कर दी है, क्या कहना चाहेंगे कि ऑक्सीजन की अब कभी बिल्कुल भी नहीं है और किसी को इसके लिए पैनिक नहीं होना? देखिए ऑक्सीजन की कमी कुछ दिनों के लिए आई थी, वो हम पंजाब में भी आई थी और इंडिया में बाकी स्टेट्स में भी आई थी। उसका कारण यही है कि जब एकदम से केस बहुत बढ़ गए थे और डिमांड और सप्लाई जो रेशो वो डिस्टर्ब हो गई थी, उस वक्त कुछ दिनों के लिए ऑक्सीजन की मुश्किल आई थी। बट हमारी एडमिनिस्ट्रेशन ने बहुत अच्छी तरीके से उसको हैंडल कर लिया और कोई भी उस वक्त भी हमें ज़्यादा परेशानी नहीं हुई। अब तो फ्रीक्वेंटली ये फ्रीली अवेलेबल है, अभी कोई दिक्कत नहीं है ऑक्सीजन की। और ही हॉस्पिटल में क्या कोविड के लिए अलग से वार्ड और सेवाएं हैं जो वो चल रही हैं 24 आवर्स? जी हाँ, हमारे हॉस्पिटल में लेवल 2 और लेवल 3 की फैसिलिटीज हैं। हमारे पास कोविड आईसीयू भी है और वार्ड तो नहीं है, आइसोलेशन यूनिट है और रूम्स हैं। और भी हम जो है कोविड के सभी पेशेंट को सभी लेवल पे वो जो है सुविधाएं दे रहे हैं। और इसके साथ साथ होम क्वारंटाइन वाले भी बहुत सारे पेशेंट आपके साथ अटैच हैं, उनको भी आप गाइड भी करें? जी हाँ, हम कई पेशेंट्स को व्हाट्सएप पे, फोन कॉल्स पे, जिनकी सेचुरेशन 94 से अबव है उनको हम होम आइसोलेशन या होम क्वारंटाइन के ऊपर फोन पे ही सलाह दे देते हैं और वो घर पे ही रहते हैं। ऐसे क्या कहना चाहेंगे कि शुगर के जो पेशेंट्स हैं उनको थोड़ा सा ज्यादा ये जो है कोविड-19 या और कोई थायराइड के पेशेंट आए या हार्ट के पेशेंट आए उनको ज्यादा घेर रहा है, उसका क्या कारण? देखिए कोई भी हमारे बॉडी में अगर कोई भी किसी तरह की इन्फेक्शन होती है तो उसको सबसे बचाने के लिए हमारी इंटरनल डिफेंस होती है जिसको हम अपनी आर्मी कहते हैं। हर बॉडी की अपनी एक आर्मी होती है। हाँ, जो शुगर के पेशेंट्स होते हैं या कोई HIV पॉजिटिव पेशेंट्स है या कोई कैंसर का पेशेंट है या कोई किसी और साथ में किसी बीमारी का पेशेंट है तो उनकी ये जो आर्मी होती है बॉडी की वो वीक होती है। और जब आपको पता है कि आर्मी वीक हो तो ऑब्वियसली जो एनिमी होता है वो उसको ज्यादा घेरता है। तो यही बात होती है डायबिटिक पेशेंट्स में और HIV पॉजिटिव पेशेंट में या कोई कैंसर के पेशेंट में, इनकी अपनी आर्मी वीक होती है और जिसके कारण कि ये वायरस उनको ज्यादा घेरता है और ज्यादा सीवियर फॉर्म में उनको इन्फेक्ट करता है। जैसा क्या सोचे, आप एक बहुत ही बड़े चेस्ट का हॉस्पिटल चला रहे हैं और इस समय जबकि आज 2 जून है, क्या
सिचुएशन है कि पहले से कम हुआ है ये कोरोना का एपिडेमिक, और लोगों में भी थोड़ा सा जागृति आई है, जैसे सरकार ने भी ओपनिंग थोड़ी सी शुरू कर दी है, क्या कहना चाहेंगे? लेकिन आम लोग को आपका क्या मैसेज है? देखिए, मैं आम लोगों को मैसेज यही देता हूँ, नो डाउट कि केसेस आगे से कम हुए हैं, पर अभी भी आप पूरी जो प्रिवेंटिव मेजर्स है उसको मत नज़रअंदाज करें। आप अभी भी सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखें, फ्रीक्वेंट हैंड वॉशिंग करें, क्राउडेड प्लेसेस पे मत जाए। जैसे सरकार और एडमिनिस्ट्रेशन हमें इंस्ट्रक्शन देती है वो हमारी बेहतरी के लिए है, आप उसको पूरा फॉलो करिए। अभी आप बिल्कुल लाइटली मत हो जाइए कि केस कम हो जाएंगे हैं तो अब हम घूम सकते हैं, क्लब्स में जा सकते हैं, नाइट पे पार्टीज कर सकते हैं। नहीं, अभी आपने बिल्कुल रिलैक्स नहीं करना, अभी वेव कम हुई है, स्टॉप तो नहीं हुई ना, तो आप अभी भी एक तो ये प्रिवेंटिव मेजर्स नहीं छोड़ने हैं, और सेकंड आप और आपके आसपास जितने भी हैं उनको वैक्सीनेशन के लिए जरूर मोटिवेट कीजिए और उनको वैक्सीनेशन करवाइए। यही मेरा मैसेज है। थैंक यू। थैंक यू। अटैच हो गए तुहाडे बर्थडे नूं मना रहे हैं, किदां महसूस कर रहे? इट्स लाइक अ फैमिली सर, वी आर फैमिली, फैमिली वांग फील हुंदा सर कि हां ये साडी फैमिली है, सो वो डेडिकेशन मिलदा कि काम बहुत वधिया करदे हो। ओ दसो, जिस तरीके दे नाल सारे स्टाफ दे नाल ही बिल्कुल पेरेंटली रह रहे ने और हरेक स्टाफ दे मेंबर नूं अपने फैमिली मेंबर समझ के तुहाडे नाल डील करदे ने, की गल? सर बहुत वधिया फील हुंदा है, इवन इत्थे दा एनवायरनमेंट बहुत वधिया है, सेफ्टी बहुत वधिया है, मतलब सेफ्टी मिल रही है, इवन गर्ल्स वास्ते कि बेस्ट प्लेस है जॉब वास्ते, इतने डर नहीं है, खौफ नहीं किसी का कि हाँ सानू कोई कुछ कह जाएगा, इवन सर भी कहते कि जो कोई प्रॉब्लम है मेरे को डायरेक्ट ही आ सकते जी। और मदर फादर बिल्कुल खुश है इस गल जी, सारी फैमिली, इवन सारे कहते कि हाँ जो जॉब करनी तो इतने करो। थैंक यू।